प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी तारीफ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। मोदी सरकार का वेलफेयर विजन और 100% सैचुरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है पीएम जनधन। जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। कैसे इंडिया का सोशल मैट्रिक्स इफेक्ट किया जनधन ने, ये बताते हैं हम आज के इस वीडियो में। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कई सारी सरकारी गरीब कल्याण योजनाएं चल रही थी। राशन था, सब्सिडी थी, लेकिन फिर भी मार्जिनलाइज्ड आम लोगों तक वो स्कीम्स पहुंच ही नहीं पा रही थी। देश के केवल 53% लोगों के पास बैंक खाते थे, जिसमें गरीब और महिलाएं तो ना के बराबर थी। यानी मनरेगा का पैसा हो, बीमे का पैसा हो, स्कॉलरशिप हो, सब कैश में होता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान था लीकेजेस, यानी कि आम लोगों तक पूरा पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। अगर ये चाहे भी तो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले घर नहीं था, तो एड्रेस प्रूफ नहीं था। बैंक अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस और रेफरेंस जरूरी होता है, वो भी नहीं था। तब इसका सॉल्यूशन क्या था? वही सॉल्यूशन लेकर आए पीएम मोदी। 2014 में प्रधानमंत्री ने हर भारतीय को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात की। सबसे गरीब और मार्जिनलाइज लोगों की जीरो बैलेंस जनधन अकाउंट खोले गए। अब देश का सबसे गरीब आदमी भी बैंकिंग की सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता था। जनधन के साथ 2 लाख रुपए का बीमा, रुपए डेबिट कार्ड और 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी आई। यानी गरीब से गरीब आदमी अब लोन भी ले सकता था। ये जनधन अकाउंट क्रांति बन गया जब ये जैम ट्रिनिटी से जुड़े। जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन प्लस आधार प्लस मोबाइल। जनधन अकाउंट से लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, आधार ने इसे वैलिडिटी दी और मोबाइल ने डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधा। और इसके बाद हर योजना और सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जनधन अकाउंट में आने लगा। इससे सिस्टम से बिचौलिए खत्म हो गए और उसके बाद तो जनधन खाते इतिहास में दर्ज हो गए। जनधन खातों की बदौलत भारत ने ट्रांसफॉर्मेशन का इतिहास लिखा। चाहे किसान निधि हो, कोविड के दौरान दी गई सहायता राशि हो, आयुष्मान योजना का पैसा हो, पीएम आवास के तहत मिलने वाली राशि हो, मनरेगा का पैसा हो, फसल बीमा का पैसा हो या फिर स्टैंड अप लोन, हर ट्रांजैक्शन जनधन के जरिए होने लगा। आज भारत में 53 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं, जो कि अब तक सरकार ने इन खातों में डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ का भुगतान किया है, जिसमें 2.3 लाख करोड़ इनका सेविंग अकाउंट बैलेंस है। सोचिए, अगर ये अकाउंट ना होते तो ये 2.3 लाख करोड़ क्या कभी भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते? यह जनधन की ही बदौलत है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में भारत चीन को पछाड़कर 9वें नंबर पर है और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी पहले से कहीं हाई है। भारत में अब 80% लोगों के पास अकाउंट है। जिस सबका साथ सबका विकास की बात पीएम मोदी कर रहे थे, जनधन ने सही मायनों में उसे साबित किया है। महिलाएं पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनी। जब महिलाओं के हाथ में पैसा आया तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ी और ग्रास रूट लेवल पर विमेन लेड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। डिजिटल बैंकिंग से जुड़ने के बाद पेपरलेस और कैशलेस बैंकिंग बढ़ी। आज डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में नंबर वन है। किसान, सब्जी वाला, रेडी पटरी वाला, पान वाला जैसे छोटे दुकानदार जो है, वो भी अब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 12 सालों में 90 गुना वृद्धि के साथ भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर वन बन गया है। जनधन के 10 साल मार्जिनलाइज्ड भारत के एम्पावरमेंट की कहानी है। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, परचेजिंग पावर बढ़ी है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर बेहतर जीवन जी रहे हैं। ये कहानी बताती है कि आजादी के 70 सालों में जो नहीं हुआ, वो महज 10 सालों में पॉसिबल हो गया, क्योंकि अब हमारे पास विजनरी लीडरशिप है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नो द नेशन के चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए नो द नेशन, गरिमा के साथ।